टीवी स्क्रीन पर बाबूजी की संस्कारी छवि वाले आलोकनाथ हकीकत में क्या हैं, ये सवाल इसलिए कि सीरियल के आदर्शवादी किरदार आलोकनाथ पर एक के बाद एक संगीन आरोप लगा रहे हैं। पहले एक प्रोड्यूसर ने लगाया और अब एक एक्ट्रेस ने आप बीती सुनाई। इस एक्ट्रेस का नाम है संध्या मृदुल। संध्या मृदुल ने ट्विटर पर आलोकनाथ के बारे में सनसनीखेज खुलासा किया है। जरा देखिए टीवी के बाबूजी की कारस्तानी एक एक्ट्रेस की जुबानी। एक रात जल्दी पैकअप हो गया, डिनर पर आलोकनाथ मेरे करीब आए, मुझे अपने साथ बैठने की जिद की, मुझे अपना बताते रहे, मैं किसी तरह वहाँ से निकली। संध्या मृदुल की माने तो आलोकनाथ हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गए थे, रोज रात को फोन करना ये सिलसिला बन गया था। उसी रात को आलोकनाथ मेरे कमरे में आए, वो नशे में थे, वो धक्का देकर जबरदस्ती मेरे कमरे में घुस आए। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैं किसी तरह पीछा छुड़ाकर कमरे से भागी। आलोकनाथ ने संध्या मृदुल को इतना तंग किया कि वो बीमार पड़ गईं। उन दिनों का एहसास संध्या ने ट्वीट पर शेयर किया है। हर शाम को शराब पीते और मेरे कमरे में फोन करते, मुझे फोन आने पर डर लगने लगा था। ये सिलसिला चलता रहा, मैं डर के मारे बीमार रहने लगी। ये तीसरा खुलासा है जो आलोकनाथ की संस्कारी छवि को तार तार करता है। अपने ऊपर लगे आरोपों पर आलोकनाथ आज तक पर सफाई दे चुके हैं। जानते हैं विंता नंदा नामक इस महिला को? बहुत अच्छी तरह। तो उन्होंने जो ये आरोप लगाए हैं उस पर आपका क्या कहना है? औरत जब आरोप लगाती है तो उसके बारे में मर्द कुछ भी कहे उसके कोई मायने रहते नहीं है जी, इसलिए मेरा खामोश रहना अभी बेहतर है। नहीं पर वो खुलेआम पब्लिकली इस चीज को कह रही हैं। उन्होंने आपका, उनको हक है, उन्होंने आपका लाइक आपको मेंशन किया हुआ है और ये सारी चीजें की हैं जी। बिल्कुल किए हैं तो उनका हक है, कोई भी कुछ भी कह सकता है ना आज की तारीख में, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन एक के बाद एक आरोप से आलोकनाथ की सफाई पर यकीन करना मुश्किल हो गया है।